कहीं गिरे अवैध मकान, कहीं ध्वस्त हुए अवैध निर्माण, कहीं सरकारी जमीन को किया कब्जा मुक्त, तो कहीं माफिया और अपराधियों की संपत्ति हुई समिदोस। योगी 2.0 की यही पहचान है कि यहाँ अपराधियों की काली कमाई से खड़े किए गए साम्राज्य को सूबे के नक्शे से गायब कर देना है। इस कड़ी में यूपी के गृह मंत्रालय ने बताया कि अब तक 2081 करोड़ रुपए की संपत्ति मुक्त कराई जा चुकी है। इसके बावजूद भी बुलडोजर अभी रुका नहीं है। संभल में सड़कों के अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। बदायूं बिजनौर मार्ग पर प्रशासन की तरफ से 15 दिन पहले जारी किए गए नोटिस के बाद भी कोई जवाब नहीं आने पर सड़कों के किनारे हो रहे अवैध कब्जों को हटाया गया। आज जैसा सरकार के आदेशों के अनुसार और मंशा अनुसार हम लोग इसी के तहत काम कर रहे हैं और इसी के तहत हम लोगों ने आज बदायूं और बिजनौर जो स्टेट हाईवे है उस पे किए गए अतिक्रमण को आज हमने पहले नोटिस दिया था 15 दिन पहले, और उसी नोटिस के तहत अगर कोई जब इसके अनुसार कोई भी जवाब नहीं आया तो इसलिए हम विधिवत इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी इंक्रोचमेंट है, जो भी अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है यहाँ पर। और साथ ही साथ हम लोग का ये भी कोशिश रहेगी कि आगे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, आपके PWD हैं और साथ में नगर पालिका है और तहसील के कुछ स्टाफ हैं, इसमें आगे जो भी अतिक्रमण हो उसको हटाया जाए। और साथ ही साथ शहर के सौंदर्यकरण के लिए हम लोग यहाँ पे इंटरलॉकिंग और ग्रिल, जो लोहे की ग्रिल है, वहाँ लगाई जाएगी और इसमें साथ ही साथ वेंडिंग जोन का भी हम लोग प्रस्ताव रखने जा रहे हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने तालाबों पर अवैध कब्जा और ग्रीन बेल्ट में अवैध प्लॉटिंग की है उन लोगों को भी नोटिस जारी किए गए हैं और उन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। वहीं गुरुवार को शाहजहांपुर में BJP छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने वाले पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा के अवैध रूप से बने अस्पताल पर भी बुलडोजर चला है। इसके अलावा लखनऊ, मेरठ, बाराबंकी, बरेली और गाजीपुर समेत कई शहरों में बुलडोजर की कार्रवाई से प्रशासन ने करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति को मुक्त कराया है। पूर्वांचल के कुख्यात अपराधी और माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, जिन्हें पहले की सरकारें हाथ लगाने तक से डरती थी, आज योगी सरकार में उन्हीं को हाशिए पर धकेल दिया गया है। उनकी और उनके करीबियों की संपत्तियों पर बाबा का बुलडोजर ऐसा चला कि हर कोई हैरान रह गया। माफिया मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगियों के खिलाफ सरकारी जमीन खाली कराने, ध्वस्तीकरण और जब्त संपत्ति की कीमत 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की आंकी गई है। और 2021 में अतीक अहमद और उसके करीबियों की कुल 203 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद से ही प्रदेश में बुलडोजर के पहिए ऐसे चलना शुरू हुए कि हर रोज किसी न किसी शहर या गांव से बुलडोजर के गरजने की खबरें आना आम बात हो गई है। कानूनी कार्रवाई के साथ ही बुलडोजर कार्रवाई करते हुए CM योगी अपराधियों के इरादों और अवैध निर्माणों दोनों पर बुलडोजर चला रहे हैं।